Hi everyone, welcome to Rest to IIT. So my dear friends, today I am here to discuss about our 5 super most sample pattern problems for your forthcoming JEE advanced exams from the chapter, so that is its real functions. So you can expect 5 most important questions from the chapter's real functions for your JEE advanced exams and 5 most expected questions from real functions for JEE advanced exam. So my dear friends, so this is my Rancor Mathematics. Rancor Mathematics contains 250 video lectures. Each lectures consist of 5 questions. Out of 5 questions, some of them from past JEE advanced and some are very good conceptual questions like this. Clear? So my dear friends, total questions we'll discuss here 1250 plus. After practicing this type of problems, you feel comfortable in the subject, your confidence will be built, clear, your standard, your quality sare improve hoga, clear, and speed in mathematics will be improved. So my dear friends, mai chahta hu aapka andar aisa confidence built ho jaye, koi bhi questions hai you can solve that questions. So my dear friends, if you want to crack JEE advanced exams with a great confidence, you have to work hard. ठीक है, एंड दैट वर्क हर्ड शुड बी ए राइट डायरेक्शन. क्लियर? JEE एडवांस्ड क्रैक करना है तो आपको हर वक्त तो करना पड़ेगा, आप मेरे साथ हर वक्त कीजिए लाइक दिस. आज का जो क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज दिस, देन द डोमेन ऑफ दिस क्या होगा. ठीक है, डोमेन ऑफ एफ एक्स दिस, दैट मीन्स का जो एक्स का जो वैल्यू है इस रेंज पे है. अभी क्या है, एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स. ठीक है, क्लियर, यहीं पे जो है ई टू दी पावर एक्स, सो दिस इज इसका जो वैल्यू है सो इस रेंज में है. लेकिन यहीं से तुम्हें क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. तो लॉग लगा दो, लॉग जीरो मीन्स क्या, माइनस इन्फिनिटी, एंड सो दिस इज एक्स, दिस इज जीरो है. नेक्स्ट क्या है, सो दिस इज जीरो एंड सो दिस इज इज वेल. क्लियर, सो दिस इज लॉग ऑफ दिस एंड दिस इज इज वन है. यहीं से ई टू दी पावर जीरो, क्लियर, हमें क्या करना है, सो दिस इज ई टू दी पावर जीरो वन, सो दिस इज मॉड एक्स एंड सो दिस इज व्हाट ई है. क्लियर, सो यहीं से क्या रिलेशंस बन रहा है, ना एक्स का जो वैल्यू है इस रेंज पे है, यहीं से क्या रिलेशंस बन रहा है, एक्स इज लेस देन माइनस वन. नंबर लाइन ड्रॉ करो, सो दिस इज माइनस ई, माइनस वन, दिस इज वन, दिस इज ई है. क्लियर, एक वैल्यू तो फ्रॉम हेयर टू हेयर, एक वैल्यू फ्रॉम हेयर टू हेयर, एक वैल्यू फ्रॉम हेयर टू हेयर. ठीक है, सो दिस इज, ठीक है, तो ये पार्ट कॉमन है. अभी ये तीनों में सबसे कॉमन पार्ट कौन सा है, देखो ये तीनों में सबसे कॉमन पार्ट इज दिस, ए पार्ट इज कॉमन है. ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस वन इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शंस एंड दैट वन शुड बी लाइक दिस. ठीक है, क्लियर. नाउ जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, मॉड कॉट एक्स प्लस मॉड कोसेक एक्स इक्वल टू दिस, एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के लिए प्रॉपर्टीज है, जब ऐसा होगा सो दिस इज मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, सो यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स दैट एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है. सेम यू विल अप्लाई हियर, कॉट एक्स इन टू कोसेक एक्स दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. कॉट मीन्स क्या, कॉस, एंड दिस इज वन, साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो दैट इज कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, साइन एक्स इज नॉन जीरो. ठीक है, क्लियर, साइन स्क्वायर एक्स इज नॉन जीरो. अभी कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्लियर, जीरो से टू पाई पे कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है. ठीक है ना, ये कहाँ पॉजिटिव है. ठीक है, एक बार एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई टू, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू, सो दिस इज जीरो से पाई बाई टू. ठीक है, एंड एंड क्या है, थ्री पाई बाई टू से टू पाई पे पॉजिटिव है. ठीक है, क्लियर. लेकिन यहीं पे क्या, साइन एक्स इज नॉन जीरो है. साइन एक्स नॉन जीरो के लिए क्या क्या करना है, ना साइन एक्स नॉन जीरो के लिए तुम्हें ये ओपन इंटरवल लिखना पड़ेगा, जीरो से पाई बाई टू एंड यूनियन, सो दिस इज थ्री पाई बाई टू से टू पाई. ठीक है, क्लियर, कि बिना साइन टू पाई, साइन टू पाई पे भी जीरो हो जाता है, साइन जीरो पे भी जीरो हो जाता है. क्लियर, सो माई डियर फ्रेंड्स, दिस ऑप्शन इज द राइट वन. क्लियर, पहले तो आपको समझने का कोशिश करना चाहिए, फिर पहले समझो अच्छे ढंग से, फिर अच्छे से प्रैक्टिस करो. नाउ वी विल डिस्कस टू
और वेरी गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन. सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका चाहिए एडवांस एग्जाम में. द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज एट डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस एंड इफ ऑल्सो सेटिस्फाइड दिस. ठीक है, क्लियर. इसका मतलब है द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन एक्स इक्वल टू फोर है. द सम ऑफ ऑल द एट सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स. ठीक है, द सम ऑफ एट सॉल्यूशंस ऑफ द एफ एक्स. क्लियर. सपोज यहीं पे इसका जो मतलब है, सो दिस इज 4 प्लस एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स. सो दैट मीन्स फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन एक्स इक्वल टू 4 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट मीन्स क्या, यहीं पे 8 रूट है. 8 रूट का मतलब क्या है, कैसा कैसा रूट है. देखो, एक 4 प्लस ए, एक 4 माइनस ए. सपोज अनदर वन 4 प्लस बी, दूसरा 4 माइनस बी, तीसरा 4 प्लस सी, टेन. ठीक है, सो दिस इज, एंड सो दिस इज 4 प्लस डी, सो दिस इज 4 माइनस डी. ये सबको ऐड करो. ठीक है, देखो ये सबको जब ऐड करोगे, क्लियर, इधर ए कैंसिल, बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, डी डी कैंसिल, एंड सो तुम्हें क्या मिलेगा, सम. सो दैट इज सम ऑफ द रूट्स, सो दैट इज इक्वल टू 32 है. क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन को इसी तरीका से सॉल्व करना. ठीक, नाउ द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ ए एक्स सेटिस्फाइंग दिस. ठीक है, तो ये सेटिस्फाइंग दिस, इसका क्या मतलब है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल. सो सेटिस्फाइंग दिस का क्या मतलब है, ये यहीं पे दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज, देखो यहीं पे 1 से 8 का बीच में, ठीक है, क्लियर, 1 से 8 का बीच में इसका वैल्यू क्या होगा, ए 0 होगा, ए भी 0 होगा, तो बैलेंस्ड हो गया. अभी क्या है, देखो, सो दिस इज 11 से, ठीक है, 11 से 17 का बीच में, क्लियर, ए क्या देगा, ए भी 1 देगा, ए भी 1 देगा. ठीक है, एंड सो दिस इज 22 से 26 का बीच में, ठीक है, 22 से 26 का बीच में, क्लियर, ए क्या देगा, दोनों साइड बैलेंस हो रहा है 2-2. ठीक है, एंड सो दिस इज 33 से, सो दिस इज 35, ए भी क्या है, देखो 33 इधर 3 है, 35, ठीक है, इधर भी तो 3 है, एंड सो दिस इज, देखो इस राइट हैंड साइड जो है, ये दोनों जो है बैलेंस्ड है, एंड सो दिस इज 44. ठीक है, 44 पे, क्लियर, दोनों साइड 44 to 44. सो दैट मीन्स क्या, सो दिस इज ए क्या होगा, ए भी 4 देगा, ए भी 4 देगा. ठीक है, एंड क्लियर, सो इन दिस केस में नंबर ऑफ, इन दिस केस में कितना है, 18 है, इन दिस केस में 7 है, इन दिस केस में क्या है, पर एक इन दोनों इंक्लूडेड है, सो दिस इज 5 है, इन दिस केस में क्या है, सो 3 है, इन दिस केस में कितना है, दिस इज 1 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, इंटीजर कितना हो रहा है, सो दैट इज इक्वल टू 34 है. 1 से 8 दोनों इंक्लूडेड है, 11 से 17 दोनों इंक्लूडेड है, सो दिस इज 7. सो ऐसा करके देखो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितना है, क्लियर, जिसके लिए दोनों साइड बैलेंस्ड है. ठीक है, सो दैट इज 24. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इसी तरीके से ये मेथड को अप्लाई करना, ये सबसे आसान मेथड है, ये पहले आपको समझना है, फिर अच्छे से इसी टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना. Now we will discuss another very good conceptual question. A function if maps R2R is defined as fx equal to 3x square plus 1, then f inverse x. ठीक है, so this is f inverse x is this. यही पे क्या है, देखो, suppose f inverse x and fx में क्या relations है, f inverse x is the image of fx with respect to the line y is equal to x है. ठीक है, clear, so this is fx equal to this, so this is y is equal to 3x square plus 1. इसका जो ग्राफ है, so like this, y is equal to 3x square plus 1. ठीक है, एक्चुअली ये जो फंक्शंस है, क्लियर, ये जो फंक्शंस है, देखो, इफ यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, क्लियर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस दो पॉइंट में कट रहा है. ठीक है, सो दैट मीन्स क्या, दिस फंक्शन इज नॉट 1-1 फंक्शन. जब ये फंक्शन 1-1 नहीं है, तो इसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट है. क्लियर, इसका इन्वर्स तब एग्जिस्ट होगा जब डोमेन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड है. क्लियर, सपोज डोमेन ऐसा होता, यहीं पे देखो आर प्लस टू आर के लिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है. ठीक है, तो उस टाइम सपोज ये, क्लियर, इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन इज दिस,
इफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सपोज यहीं पे ऐसा कर देता, सो दिस इज आर प्लस टू आर है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट है। सो इन दैट एट केस में क्या हो गया, देखो इन दैट एट केस में इसका जो रेंज है, क्लियर, रेंज को भी तुम्हें क्या करना है, सो दिस इज वन से इन्फिनिटी तक करना है। इस कंडीशंस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट है। सो इन दैट केस में क्या होगा, देखो ये जो फंक्शंस है, जब इस पार्ट को खाली कंसीडर करोगे, देखो ये तो वन वन फंक्शंस हो गया, ठीक है। अभी इसका रेंज क्या है, वन से इन्फिनिटी है, कोडोमेन के साथ इक्वल हो गया, सो दैट मीन्स क्या, दिस इज ऑन टू फंक्शंस है, सो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है। तो इन्वर्स क्या होगा, नाउ वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस वन बाई थ्री, सो एक्स का जो वैल्यू है, सो दिस इज वन माइनस थ्री है, सो इन दैट केस में एफ इन्वर्स एक्स, सो दैट इज एक्स माइनस वन बाई थ्री। देखो ये ऑप्शंस में गिवन है, ऑप्शंस में गिवन है, सारे बच्चा इसको करके आता है, तो ये आपको समझना है, क्लियर। कर्व वन वन फंक्शंस होगा, कर्व वन टू होगा, क्लियर। डोमेन को जब रेस्ट्रिक्ट कर दोगे, डोमेन एंड रेंज को जब रेस्ट्रिक्ट होगा, सो दैट टाइम यू कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शंस, अदरवाइज नॉट, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू क्रैक जेईई एडवांस एग्जाम्स विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू फॉलो मी, फॉलो माई चैनल, फॉलो माई इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इफ यू प्रैक्टिस इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, यू फील कंफर्टेबल इन द सब्जेक्ट्स, योर कॉन्फिडेंस विल बी बिल्ड, क्लियर, योर स्टैंडर्ड, योर क्वालिटी इम्प्रूव, योर स्पीड इन मैथमेटिक्स ऑल्सो इम्प्रूव। सो माई डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends, as well as all social medias around the world. And don't forget to subscribe my channel, Rest to IT. Thank you very much for watching my video. That's all.